हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में राखी नेगी ब्लॉग्स एंड गार्डनिंग में। मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बिल्कुल अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों के साथ होंगे। मैं हूँ राखी नेगी, आप तो जानते ही हो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो चले फिर, कहाँ मेरे गार्डन की ओर और कहाँ, तो दिखाती हूँ आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। ठीक है, लाइफ में मुस्कुराना चाहिए, इसलिए मैंने आपका स्वागत किया मुस्कुराते हुए। तो देखिए, स्नेक प्लांट का पौधा है जो बहुत ही अच्छा होता है। आप इसे आउटडोर, इंडोर कहीं भी लगा सकते हो। ये एयर प्योरीफायर प्लांट होता है, इसकी बहुत वैरायटी होती है मेरे पास, जो है मैं आपको दिखाती हूँ। एक वैरायटी इसकी ये है, ये मैंने आउटडोर लगाए हैं। अब दिखाती हूँ जो मैंने इंडोर लगाए हैं। ये मेरा इंडोर है, ये प्लांट रात को भी ऑक्सीजन देता है, इसलिए आप इसको अंदर आराम से लगा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये देखिए, ये मैंने इंडोर लगाया है, इसमें तीन वैरायटी है, तीनों मैंने एक साथ लगा रखी है। कुछ इनके बेबी प्लांट भी आ रहे हैं, ये देखिए, ये अंदर भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। देखो दोस्तों, आज मेरा किचन कितना गंदा है। मैंने आज सब कुछ बाहर निकाला कर ड्रॉर से, आज मैं सारी सफाई कर रही हूँ। कॉकरोच हो चुके हैं बहुत ज़्यादा और बहुत गंदगी हो चुकी है, इसलिए मुझे आज पूरा किचन साफ़ करना है। अब आपको मैं साफ करके दिखाती हूँ। आज मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा मुझे आज किचन की सफाई करने में। देखिए दोस्तों, मेरी किचन हो गई पूरी साफ। देखिए, मैंने सारे ड्रॉ बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं आज। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी कॉकरोच निकले हैं आज, जिनको मैंने बाहर भगा दिया है। उनकी गंदगी भी बहुत हो रखी थी क्योंकि गर्मी के टाइम पे तो कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, और बरसात लग गया तब तो ज़्यादा ही हो जाएगा। अब मेरा दिन का खाना तैयार हो रहा है पूरा। मुझे 2 घंटे लगे किचन के नीचे नीचे के ड्रॉ साफ़ करने में, अभी ऊपर के रह गए। ये हो गई मेरी फ़िलहाल किचन काफ़ी हद तक साफ। आज मुझे किचन का सफाई करने का अच्छा मौका था क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, इसलिए आज मैंने अंदर की अच्छे से सफाई कर दी है किचन की। देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई है बारिश से बचने के लिए। ये वो भी बारिश से बचने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है। तो आज खूब बारिश हो गई है और मेरी न्यूजी भी बैठी है यहाँ पर। मेरा लॉन भी हरा भरा हो गया है। अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड को देखने, जिसका कुछ टाइम पहले ऑपरेशन हुआ था, छोटा सा थोड़ा सा पथरी का, लेकिन अब वो ठीक है। तो वो कुछ टाइम से अपने मायके थी तो मिली नहीं थी हमें, तो अभी हम जाते हैं मिलने के लिए। अभी मेरी देवरानी भी आ रही है, हम दोनों जाएंगे एक साथ, तो चलती हूँ मैं उसके घर। और मेरी देवरानी आ गई है, बारिश भी हो रही है, हमने छाता पकड़ लिया है। अब हम चलते हैं अपनी सहेली से मिलने, उषा से। तो मिलती हूँ आपको उसके घर पर। तो ये है मेरा गांव और हम यहाँ से जा रहे हैं शॉर्टकट रास्ते। देखिए कैसा रास्ता है, कच्चा रास्ता है। हम दोनों जा रहे हैं, मैं अभी बारिश में भीग रही हूँ, छाता मेरी दीवानी के पास है क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी इसलिए पीछे हो गई हूँ। देखिए बारिश से कितना कीचड़ हो रखा है, हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ को अभी पक्की रोड नहीं बनी है, अब शॉर्टकट तो कच्चा ही मिलेगा, इसलिए शॉर्टकट मार रहे हैं, तो कीचड़ में बन के जा रहे हैं अभी। अंदर की दीवारों में चिनाई करते रहेंगे।
कैसे करवाते होंगे लोग, पता नहीं वो डाले होंगे ना, बीम डाले होंगे, फिर कमरे देखेंगे कैसे कैसे बनेंगे। इसमें आता है कि कोई से दीवार में सीधी आता है। नहीं नहीं, तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी दोस्त के घर। देवरानी भी है, बहन भी है, सब कुछ है। ये आ गए अपने मायके से घूम फिर के एक महीने में पूरा। ये बाद में पहुंची, हम पहले पहुंची उसे देखने के लिए। मालो गप्पे मालो, बहुत दिनों के बाद मिले तुम। तुम दोनों का बहुत दिनों का मिलन हुआ है। सलाम आ रही हम दोनों को। सीधी भी है पूजा, वो ले लिया तुमने? दीपा ने दिया था गाड़ी से। ठीक है, चलो ठीक है फिर। चाची क्या कर रहे हैं आप? फोन है, आप बैठ जाओ। और ये चाची जी मतलब चाय बना रही है। ये भी सासू माँ है, अपनी बहू के लिए चाय बना रही है ना, है? देखो बहू बैठी हुई है, सासू माँ चाय बना रही है। ये तो बोला नहीं, तो मैं बीमार हूँ। बोला है मैंने बीमार। अभी बिचारी का छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, पर ठीक ठाक हो गया। नहीं ठीक ठाक घर आ गई मायके से एक महीने घूम फिर के। इस बार लंबी छुट्टी मिल गई मायके जाने के। नहीं घूमने का मौका कहीं नहीं मिला, घूमने की छुट्टी। बोलो चलो सबके सब, चलो हाय करो। हाय बोलो ना आप। बोलो हाय, बोलो बाय। अभी नहीं। ये इनकी छोटी सी फुलवारी देखिए, इन्होंने भी हर चीज में फूल लगा रखे हैं। करवा पेंट के डब्बे देखिए, गुलाब खिला हुआ है और एक सूरजमुखी भी दिख रहा है मुझे खिला हुआ। ये देखिए सूरजमुखी, इनकी तो मिर्ची भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे भी बहुत बंदर आते हैं, बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं ये अपनी सब्जियाँ। इनके अरबी के पत्ते भी अच्छे हो गए हैं, उनको बनाने लायक हो गए हैं। हल्दी हो चुकी है इनकी भी, आज मिर्ची ले जानी पड़ेगी यहाँ से। क्या बढ़िया मिर्ची लग रही है। अब सूरज भी डूबने वाला हो गया है, फिर थोड़े थोड़े बादल भी लगे हुए हैं। अभी बारिश होके थोड़ा थम चुकी है, रात को फिर बारिश आ जाएगी। चाची ने चाय बना दी, चाची को पता है राखी बिना चाय पिए वापिस नहीं जाएगी, चाय पी के जाएगी। ये चाय बन चुकी है। किसको नहीं दिया, किसका काम है? खाओ भाई, दूसरा के लाए पकौड़े आए हैं, इसको देखने दे, खाने के लिए आ गए। चाय पीजिए, समोसा पार्टी, चाय कितनी पार्टी चल रही है हमारी, फर्जी वाली पार्टी, फर्जी वाली बिना पैसों के, बिना पैसों के खाता रहना। समोसा उसे ही ले रहे क्या? सबकी कटोरिया बड़े मुझे तो खाते हुए लगे, ज्यादा खा रही हूँ।